Assalamu alaikum everyone. Today we are discussing the difference between compound and mixture. Compound और mixture का topic हम already कर चुके हैं कि definition उसका link description में मौजूद है, आप देख सकते हैं. कंपाउंड जो बनता है वो केमिकल कम्बिनेशन से बनता है, एटम्स के केमिकल कम्बिनेशन के, कोई भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स के केमिकल कम्बिनेशन से कंपाउंड बनता है. और जो मिक्सचर होता है वो सिंपल हम सब्सटेंसेस को मिक्स कर देते हैं. जैसे कि आप फ्रूट चाट बना रहे हैं तो देखें, आप सिंपल फ्रूट्स को मिक्स कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, मिक्सचर एक बन जाएगा. ठीक है, मिक्स करके हम उनको इकट्ठा कर देंगे. कंपाउंड में हम उनकी आइडेंटिटी जो है वो लूज़ कर देते हैं. जब हम एक नया सब्सटेंस बनाते हैं ना, तो उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जिनकी सबकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, वो एक नया एक अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, एक नया सब्सटेंस बनाते हैं. लेकिन मिक्सचर जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज रहती हैं. जैसे अगर वही एग्जांपल हम लेंगे कि फ्रूट चाट में अगर आप फ्रूट खा रहे हैं तो उसमें आपको तमाम फ्रूट्स का टेस्ट आएगा, तो हर एक की फ्रूट की अपनी प्रॉपर्टी आपको नज़र आएगी. कंपाउंड्स का फिक्स कम्बिनेशन होता है, कंपोजिशन होता है बाय मास. ठीक है, आपने फिक्स, जैसे वाटर है तो उसमें आपने टू हाइड्रोजन के कंपोनेंट्स लेने हैं, एक ऑक्सीजन का, सॉरी टू हाइड्रोजन के एटम लेने हैं और या एलिमेंट लेना है और एक ऑक्सीजन का एटम लेना है. और मिक्सचर में आपके पास कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होती, आप अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हैं. ठीक है, जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं ये इसके कंपाउंड्स के, उनको हम किसी फिजिकल मीन से ही सेपरेट करेंगे, हम डायरेक्टली सेपरेट नहीं कर सकते. जबकि मिक्सचर के लिए कोई आपको फिजिकल मैथड लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सेपरेट कर सकते हैं चीज़ों को. ठीक है, और एवरी कंपाउंड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला. जैसे वाटर के लिए मैंने कहा H2O, इसका केमिकल फार्मूला आप यूज़ करेंगे. लेकिन जो आपका मिक्सचर होता है उसमें कोई केमिकल फार्मूला नहीं हम यूज़ करते, इसमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं और उनका कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता. ठीक है, जैसे मैं फ्रूट चाट की एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि उसमें हम आप देख सकते हैं कि कोई हम केमिकल फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. कंपाउंड्स होमोजीनियस कंपोजिशन पे डिपेंड कर रहा होता है और इसमें होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों होती हैं. अब देखिए होमोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें हर जगह तरकीब एक जैसी होती है ना, और जो जैसे हवा है, गैसोलीन है, आइसक्रीम है, इनमें सारों में ना एक जैसी होती है. होमोजीनियस ऐसी चीज़ है कि सब में एक जैसा टेस्ट आएगा. जो हेट्रोजीनियस होता है इसमें कह रहे हैं होमोजीनियस भी हो सकती है, हेट्रोजीनियस भी मिक्सचर में. तो हेट्रोजीनियस क्या होता है, जिसकी तरकीब हर जगह एक जैसी नहीं होती उसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं. जैसे कि मिट्टी है, चट्टान है, लकड़ी है, इनमें हर जगह आपकी एक जैसी नहीं होती. तो मिक्सचर होता है वो होमोजीनियस भी होता है और हेट्रोजीनियस भी होता है, दोनों तरह की इसमें प्रॉपर्टीज आती हैं. और कंपाउंड जो होता है उसका मेल्टिंग जो पॉइंट है वो एक फिक्स्ड होगा और शार्प होगा. लेकिन मिक्सचर में कोई शार्प और फिक्स पॉइंट नहीं होता, मेल्टिंग पॉइंट उसमें. अब देखिए मैं इसलिए फ्रूट चाट की एग्जांपल दे रही हूँ, उसमें हमें कोई एक मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली कोई नहीं देना पड़ा, उसको हम अब सिंपल टेम्परेचर पे बना रहे हैं. और भी कोई बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं जिसमें आप मिक्सचर को देख सकते हैं कि आपको कोई फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं रखना पड़ता, लेकिन कंपाउंड्स में आपको फिक्स मेल्टिंग पॉइंट रखना पड़ता है. तो ये डिफरेंस था हमारा कंपाउंड और मिक्सचर का.